जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna,
जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सतहिष्ठ वाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं संसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे
कौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषये नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है इस कृष्ण कथा के अनुष्ठान में, उत्सव में। प्रसंग ये चल रहा है कि रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, बहुत तीव्र इच्छा थी और उन्होंने मन में ठान लिया था कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त और वो किसी भी व्यक्ति से विवाह नहीं करेंगी। जब उन्हें पता चला कि उनके बड़े भाई रुक्मी का मत कुछ और था और रुक्मिणी देवी का विवाह कृष्ण से न करके शिशुपाल से करवाना चाहते थे, शिशुपाल और रुक्मी मित्र थे। असुरी वृत्ति के लोग एक साथ रहते हैं, उनकी मैत्री होती है, भक्त लोगों की मैत्री अलग होती है। जैसे जैसे लोगों की वृत्ति वैसे वैसे उनका संग ढूंढ निकालते हैं आपस में ही। देखिए, प्रकृति के कई नियम होते हैं, जैसे कि पानी को जहाँ भी रखिए वो अपनी जगह सब ठीक ठाक कर लेगा। पानी यहाँ कम है, यहाँ ऊंचा है, तो छोड़ दीजिए पानी को, बराबर आ जाएगा पानी। ये नियम है प्रकृति का। उसी प्रकार से जैसे लोगों की प्रवृत्तियाँ हैं, मानसिकताएँ हैं, उनकी रुचियाँ हैं, वैसे वैसे संग अपने आप ढूंढ लेते हैं और उनका संग बन जाता है। जिनकी प्रवृत्ति एक प्रकार की होती है, केवल सबका अच्छा देखना, सब में भला देखना,
वो इकट्ठे आ जाते हैं। जिनकी वृत्ति होती है कि दूसरों में दोष देखना, तो वो उनका संग बना ले, अपना संग बना लेते हैं। तो ये सारे असुर थे, वो मित्र थे, जरासंध, शाल्व, शिशुपाल, रुक्मी इत्यादि। इसलिए रुक्मी ने सोचा कि मेरी बहन इसके लिए योग्य वर मेरा मित्र शिशुपाल होगा, चैत्यराज दमघोष के पुत्र। तो राजा भीष्मक के मन में ऐसे कोई विशेष चाह नहीं थी, यह आसक्ति नहीं थी शिशुपाल के प्रति, ऐसे कोई सद्गुणों से संपन्न नहीं थे शिशुपाल कि राजा भीष्मक को ऐसे विचार आए कि मेरी पुत्री के लिए यही योग्य वर होगे। परंतु पुत्र स्नेह था। देखिए, आसक्ति जो होती है ना भौतिक जगत में, वो हमारे बुद्धि के सामने कभी रुकावटें लाती है। स्पष्टता से विचार करने की जो क्षमता है, हमारे हित के लिए निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो हमारी विवेक बुद्धि है, वो बिगड़ जाती है आसक्ति के कारण। और सबसे बड़ा उदाहरण धृतराष्ट्र है। तो राजा भीष्मक ने भी ज्यादा इतना नहीं सोचा, ठीक है मेरा पुत्र बोल रहा है, चलो सबसे बड़ा पुत्र है मेरा। राजा भीष्मक को भी सोचना चाहिए था कि मेरी पुत्री की इच्छा नहीं है, मेरी पुत्री चाहती है कृष्ण से विवाह करने के लिए, मैं भी चाहता हूँ, मेरे अन्य पुत्र भी चाहते हैं। परंतु अंततः हम ये जान सकते हैं कि ये तो भगवान की लीला है, क्योंकि राजा भीष्मक भी तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते ना। जब वो भगवान के पत्नी के पिता हैं, तो ऐसे व्यक्ति तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। तो भगवान की लीला के अनुसार हृदय में स्थित परमात्मा सबको प्रेरित करते हैं। तो राजा भीष्मक ने भी फिर हाँ में हाँ मिला दिया, ठीक है रुक्मी तुम चाहते हो ना, चलो कर देते हैं। तो रुक्मिणी को ये पता चला था, और इसलिए रुक्मिणी देवी ने अपने एक भरोसेमंद ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि शीघ्रातिशीघ्र मेरा ये पत्र ले जाओ और सीधे श्री कृष्ण के पास ले जाना द्वारका में। वो कहाँ निवास करती थी रुक्मिणी देवी? विदर्भ में। विदर्भ में कौन सी जगह में? कौंडिन्यपुर। आज भी है ये स्थान। आप में से कितने भक्त कौंडिन्यपुर गए हुए हैं? नहीं, एक विदर्भ में तो गए होंगे अनेक लोग। तो वहां से द्वारका बिना कोई वाहन के चलना इतना आसान नहीं है, फिर भी रुक्मिणी देवी ने कोई व्यवस्था कर दी और वो निकल पड़े वहां से। उस पत्र के पीछे एक मोहर भी था, ताकि ये गोपनीय पत्र है, ताकि आगे चल के कोई ये ना सोचे कि अरे ये तो खुला हुआ पत्र है, गोपनीय कैसे हो सकता है। जब ये श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो वो जो मोहर जो है, जो मुद्रा है, वो वैसे के वैसे था। तो खैर, रुक्मिणी देवी ने उस ब्राह्मण को भेजा, वो निकल पड़े और पहुंचे द्वारका। जैसे ही द्वारपाल ने देखा कि एक ब्राह्मण है जो बाहर से आए हैं, श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं, तो तुरंत उनको अंदर छोड़ा। श्री कृष्ण ने बहुत ही सम्मान पूर्वक और प्रेम पूर्वक उस ब्राह्मण का सत्कार किया, निमंत्रण उनको उनका स्वागत किया, उनको खिलाया, विश्राम करने के लिए एक स्थान दिया, उनकी आरती उतारी और उनके चरणों को मालिश करने लगे, और फिर बड़े मधुर वचनों से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? बहुत लंबी यात्रा से आए होंगे, क्योंकि दुर्गम सागर को पार करके आप आए, तो कहाँ से आए, किस इच्छा को लेकर आए,
और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं बताइए, आपके इच्छा की पूर्ति के लिए मैं इधर उपस्थित हूँ। चाहे वो परम सत्य भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान क्यों न हो, चाहे कोई बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों न हो, जब ब्राह्मण सामने आते थे तो इसी प्रकार का एक विनीत व्यवहार वो दर्शाते थे। ये है वैदिक सभ्यता। जब हमसे कोई वरिष्ठ होते हैं ज्ञान में, भक्ति में या किसी भी क्षेत्र में, तो सम्मान देना आवश्यक है। देखिए, वैदिक सभ्यता सम्मान पर आधारित है। हर एक व्यक्ति दूसरे का सम्मान करता है। सम्मान करने के कारण अलग हो सकते हैं, सम्मान करने की जो मात्रा है वो भले अलग हो सकती है, परंतु सभी का सम्मान करना चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण समाज में कौन सम्मान के योग्य है? जिनका ज्ञान श्रेष्ठ है। ब्राह्मण जो हैं वो ज्ञानी होते हैं, तपस्वी होते हैं, सीधा जीवन जीते हैं। तो ब्राह्मणों में से जिनका ज्ञान अधिक है उनको अधिक सम्मान मिलता है, या जिन जो अधिक आत्म साक्षात्कारी हैं उनको अधिक सम्मान मिलता है। क्षत्रिय समाज में जो अधिक बलवान है उसको क्षत्रिय समाज में अधिक सम्मान मिलता है। सारे क्षत्रिय उनके सामने आके नमन करते हैं, क्योंकि क्षत्रिय बल को मानता है, ब्राह्मण ज्ञान को मानता है और तपस्या को। वैश्य समाज में जिस व्यक्ति के पास धन अधिक है वो सम्माननीय हो जाता है अन्य वैश्यों के लिए। तो अन्य वैश्य आके इनके सामने हाथ जोड़ेंगे क्योंकि ये बहुत धनी व्यक्ति है। और शूद्र समाज में जिसकी आयु अधिक है वो सम्मान के योग्य हो जाता है। वैसे भी किसी भी समाज में जो हमसे आयु में बड़े हैं उनका सम्मान तो करना ही चाहिए, परंतु विशेष करके सम्मान के कारण यह महाभारत में भीष्म देव बताते हैं। तो खैर, ये देखिए, बार बार श्री कृष्ण अपने उदाहरण से हम सबको सिखला रहे हैं कि हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। हमारा पद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो दुनिया में, जब हम अन्यों के सामने आते हैं, सामने वाले को गंध भी नहीं आनी चाहिए कि हमारे मन में एक अभिमान हो गया है हमारे पद या हमारे गुणों के बारे में। तो श्री कृष्ण ने ऐसे सम्मान किया, उनके चरण भी धोए, चरणों की मालिश की, और फिर कहा कि यदि आपके मन में जो विषय है वो गोपनीय नहीं है तो कृपया बता दीजिए खुलेआम। तो फिर वो ब्राह्मण ने सारी बातें बता दी और उन्होंने कहा कि रुक्मिणी देवी ने आपके लिए एक पत्र भेजा है और ये मैं पत्र आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। तो उन्होंने मोहर खोल दिया ताकि भगवान कृष्ण को पता चले कि इसके पहले किसी ने यह पत्र पढ़ा नहीं था, उस ब्राह्मण ने भी नहीं पढ़ा था। तो ये पत्र खोल दिया और फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो इनमें 7 श्लोक हैं। जैसे कल हम बता रहे थे कि इसको हम एक गीत रूप में गाएंगे, गीत अर्थात जैसे हम श्लोकों का उच्चारण करते हैं वैसे हम गाएंगे, इसका गान करेंगे। तो ये 7 श्लोक हैं। फिर इसके बाद एक एक के बाद एक श्लोकों की चर्चा संक्षेप में करेंगे। तो 37वां श्लोक है। श्री रुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शिण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्
रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् वै अच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे का त्वा मुकुन्द महति कुलशीलरूप विद्यावयो द्रविण धामभिरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नर लोक मनोभिरामम् तन्मे भवान् खलु वृतः पतिरंग जायाम् आत्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्षतु चैद्य आरात् गोमायुवन्मृगमत्पतेर्बलिमम्बुजाक्ष पूर्तेष्ट दत्त नियमव्रत देव विप्र गुर्वर्चनादिभिरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिम् गृह्णातु मेनदम घोषसुतादयोन्ये श्वोभाविनी त्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य भृतनापतिभिः परीतः निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम् अन्तःपुरान्तरचरीम निहत्य बन्धून् त्वाम् उद्वहे कथमिति प्रवतां युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महति कुलदेवयात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेया यस्यां घृपङ्कजरजः स्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादम् जह्यामसून्व्रतकृशान् शतजन्मभिः स्यात् अरे कृष्णा, क्या पीछे नहीं सुनाई दे रहा था? आप सब सुन पाए थे क्या? पीछे नहीं सुन पाए थे क्यों? कोई समस्या हुई क्या पीछे? क्यों, किसी ने कुछ बदल दिया?
अच्छा, एक बात बताना चाहेंगे आपसे। जब भी प्रवक्ता किसी भी धुन में गाते हों या श्लोकों का उच्चारण करते हों, हमें बड़े ध्यान से सूक्ष्म स्वरों को ध्यान देना चाहिए। जैसे अंत में, पहले और दूसरे पाद के अंत में सूक्ष्म अंतर है, लेकिन आप पहले पाद का जो अंत है उसी को चारों पंक्तियों में कर रहे हैं। जैसे पहले श्लोक में आते हैं फिर से, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। ये आ गया, ठीक है। अभी दूसरे में, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोऽङ्गतापम्। नहीं है, नीचे नहीं आता है, तो आपको नीचे नहीं करना है। तापम नहीं है, तापम नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर सीधा। फिर से, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोऽङ्गतापम्। पापम। फिर से, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोऽङ्गतापम्। फिर भी कोई बोल रहे हैं, ठीक है। आपको ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है, बहुत आवश्यक है। सब समझ गए आप, हम क्या बोल, पकड़ लिया आप? ठीक है। ऐसे में और शास्त्रीय संगीत में बिठाना चाहता था, आदिपति प्रभु के भाई हैं श्रीमान विजय, उनको बुलाया भी था, लेकिन क्या हम शास्त्रीय संगीत में तो कोई विशेष ज्ञान नहीं है, हम पकड़ नहीं पाए, अभ्यास नहीं हुआ। तो 5 रागों में उन्हें अलग अलग उन्होंने बताए थे, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। नहीं तो उस राग में हम शायद गा जाते। देश राग में सबसे अच्छा लगा, भैरवी में भी था, मियाँ की तोड़ी में भी था, इसे 5 रागों में उन्होंने करके दिया। फिर जो मेरे मन में आया वही मैं गा रहा हूँ। तो खैर, देखिए, भक्ति के रास्ते में हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एक उपाय है। जिसको संगीत में रुचि है, चलिए भगवान के लिए भगवान के गुणगान में लगाइए। जिसको चित्र बनाने की इच्छा है, भगवान के चित्र बनाइए, देखिए कितने चित्र हैं। जिनको जो है अलंकार आदि सजाने की इच्छा है, देखिए भगवान को सजाने के लिए कितने कितने अवसर मिल सकते हैं, मंदिर में, घर में। गाने की ये बात हो, जो भी हो, भगवान की सेवा के लिए हमारे हर एक प्रवृत्ति को हम केंद्रित कर सकते हैं। तो ये है रुक्मिणी का पत्र। तो आइए, अभी हम 37 श्लोक में आते हैं। तो रुक्मिणी देवी क्या कहती हैं, पहले अनुवाद हिंदी में पढ़ लेता हूँ। ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में श्री रुक्मिणी ने कहा, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर, जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं, और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वाले की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है, हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। तो सबसे पहले तो रुक्मिणी देवी
श्री कृष्ण का संबोधन करती हैं भुवन सुंदर कहके। भुवन अर्थात जगत, तो सब जगत में सबसे सुंदर व्यक्ति श्री कृष्ण ही है, जगत के अंदर भी जगत के बाहर भी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक बार कि इस दुनिया में जो भी हम सौंदर्य देखते हैं, चाहे वो प्रकृति का सौंदर्य क्यों न हो या किसी व्यक्ति का सौंदर्य क्यों न हो, ये भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का प्रतिबिंब मात्र है। स्वतंत्र रूप से हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। जितने भी गुण हमारे अंदर हैं, कण मात्र, लेश मात्र, अणु मात्र, वो केवल भगवान श्री कृष्ण से लिए हुए उधार पर हैं, और वो भी थोड़ी मात्रा में। जैसे उधार से हम पैसे लेते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं, हम उस धन के मालिक नहीं हो जाते, और यदि हम देने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो सरकार द्वारा कोई ना कोई कार्यवाही होती है, वो पैसे हमसे छीन लिए जाते हैं। तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें कोई गुण मिल जाते हैं, अच्छे गुण हो, बुरे गुण हो। किनका फोन बज रहा है देखिए। तो ये गुण हमने उधार में लिए हैं, तो जब हमारा जो प्रारब्ध है वो समाप्त हो जाएगा भोग से, चाहे दुख भोगेंगे या सुख भोगेंगे, तो वो गुण फिर नहीं रहेंगे साथ में। यदि ऐसे हमने कर्म किए जिसके द्वारा अच्छे गुण हमें प्राप्त हो जाए तो वो रहेंगे, परंतु ये आएंगे और जाएंगे हमारे कर्मों के अनुसार। और जब आते हैं तो हमें जानना चाहिए कि अंततः ये भगवान की देन है। तो कोई गर्वित होने की कोई बात नहीं है हमारे लिए। तो कोई व्यक्ति यदि सुंदर है, कोई बुद्धिमान है, कोई बहुत शक्तिशाली है, कोई भी ऐसे गुण हमें आए हों, हमें जानना चाहिए अंततः ये इन गुणों के भंडार जो है वो श्री कृष्ण है। तो इसलिए यहाँ पर रुक्मिणी देवी कह रही हैं, भुवन सुंदर, सबसे सुंदर व्यक्ति हे कृष्ण, मैं श्रुत्वा, मैं सुन रही हूँ, मैंने सुना है, सुन के। उन्होंने दो चीजें सुनी है कृष्ण के बारे में, भुवन सुंदर के बारे में। एक है गुणान, और तीसरे पाद में देखिए पहला शब्द रूपम। तो भगवान श्री कृष्ण जो भुवन सुंदर हैं, उनके दो चीजों के बारे में रुक्मिणी देवी सुन चुकी हैं। एक है उनके गुणों के बारे में और दूसरा उनके रूप के बारे में। तो उनके गुणों के बारे में क्या कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम। तो जिन्होंने सुना हुआ है, जो सुनते हैं, ते उनका क्या होता है, निर्विश्य कर्ण विवरे हरतुंग तापम। जब ये गुणगान, श्री कृष्ण के गुणों का गान, ये जो ध्वनि है, ये जो शब्द हैं, जब निर्विश्य प्रविष्ट होती हैं, कहाँ पे प्रविष्ट होती हैं, कर्ण विवरे ही, कर्ण अर्थात कान, विवरे ही अर्थात छिद्र। हमारे सर में छिद्र है ना, दो कान है यहाँ पे, छिद्र है जिसमें से ध्वनि जाती है और अंदर जाके फिर अपना कार्य करती है, चाहे मन को अच्छा लगे न लगे। तो निर्विश्य कर्ण विवरे ही, तो भगवान के गुणों का गान जब हम सुनते हैं, जो भी व्यक्ति शृण्वताम, जो सुनते हैं, उनके कानों में जब ये गुणगान प्रविष्ट होता है, हरतः, वो हर लेता है। क्या हर लेता है, अंग तापम, उसके शरीर के जितने भी कष्ट हों, शारीरिक व्याधियां हों, जो भी असुविधाएं हों, वो सब निकल जाती हैं, उनका हरण हो जाता है। शारीरिक दर्द समाप्त हो जाता है। और वास्तव में आप देखिए, जब आपको कोई शारीरिक कष्ट हो रहा हो, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कोई कोई औषधि दवाएं आप न लें, अवश्य लें,
क्योंकि शरीर के स्तर पे जो हमें करना उचित है वो करना चाहिए, परंतु साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का नाम और भगवान श्री कृष्ण के गुण लीला आदि के बारे में सुनना भूलिए मत। इनसे हमें राहत मिलेगी। जब भी हम दुनिया से ऊब जाते हैं, जब हम मन ही मन सोचने लगते हैं पक गए हैं अभी समस्याएं इतने बढ़ गई हैं जीवन में, अब सहा नहीं जा रहा है, तो फिर भगवान का गुणगान कीजिए। फिर मन भी शांत हो जाएगा, शरीर शरीर का कष्ट भी कम हो जाएगा। और ये जो बात है, बार बार हम भागवतम में पढ़ते हैं, कितने सारे श्लोक हैं, ये अपने आप में ही एक विषय है, इसलिए आगे इस बात को नहीं पढ़ाऊंगा। कहना इतना पर्याप्त अब के लिए है कि रुक्मिणी देवी कह रही हैं कि हे भुवन सुंदर, आपके जो गुण हैं देखिए इतने शक्तिशाली हैं कि जब कोई भी व्यक्ति उनको सुनता है, उनके बारे में सुनता है, तो देखिए क्या परिवर्तन होता है उसके अंदर। हरतः अंग तापम। और फिर वो कहती हैं, हे भुवन सुंदर, न केवल आपके गुणों के बारे में परंतु आपके रूप के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहती हूं। आपके रूप को देखने वाले जो हैं दृश्यमताम, दृश्यमताम अर्थात जिनकी आंखें हैं, हम सब की आंखें हैं, जो देखने वाले हैं, जिनकी आंखें हैं देखने के लिए, जब वो आपका रूप देखते हैं तो उनकी जो देखने की जो इंद्रिया है तन्मा, वो पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है। अखिलार्थ लाभम, अखिल अर्थ लाभम, जितने भी इच्छाएं हैं आंखों की देखने के लिए वो संतुष्ट हो जाते हैं आपके सुंदर रूप को देखने के लिए। संसार में ऐसे कोई दृश्य नहीं है जिसको देखकर लंबे समय के लिए हमारी आंखें या हमारे दृष्टि अर्थात जो दृष्टि की इंद्रियां वो संतुष्ट हो सकती हैं, परंतु श्री कृष्ण एकमात्र हैं दृश्य हमारे आंखों के लिए। तो जिनके पास जो दृश्यमताम है, जिनके पास आंखें हैं, उनके लिए योग्य देखने वाला वस्तु या व्यक्ति केवल और केवल श्री कृष्ण हैं। और वास्तव में जब हम ये दृष्टि की बात करते हैं तो केवल इन स्थूल आंखों की बात नहीं करते हैं, वो तो है ही, परंतु ऐसे इतिहास में बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं जो अंधे थे, उनके स्थूल आंखें जो हैं वो कार्य नहीं करती थीं। आप में से जो बरसाना गए हैं आप अवश्य मोरकुटी गए होंगे। आप में से कितने भक्त मोरकुटी गए हैं ऊपर चढ़ के? हाँ, तो वहाँ आपने देखा होगा कि एक छोटा सा मंदिर है जहाँ बहुत सुंदर चित्र है। उस चित्र में क्या दिखाया जाता है? राधा और कृष्ण के साथ मोर बन के नृत्य कर रहे हैं और एक मोर भी वहाँ नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि एक अंधे संत हैं या थे जिन्होंने ये चित्र बनाया था। अब हम सोच सकते हैं कि उनको दिखाई नहीं दिया तो कैसे उन्होंने चित्र बनाया? बनाया। जो भगवान की शक्ति के पात्र हो जाते हैं, कृपा के पात्र हो जाते हैं, उनके लिए क्या असंभव है? और कोई ऐसे भक्तों की बात बता के नाम बता सकते हैं आप जो अंधे थे? बिल्व मंगल ठाकुर तो बाद में अंधे हो गए, अपने ही कार्य से हो गए, परंतु बाद में चल के वो समझ पाए, कितनी सुंदर सुंदर स्तुतियां उन्होंने की भगवान की, कृष्ण करुणामृत इत्यादि, और सूरदास भी थे। तो ऐसे देखिए उन्होंने किन आंखों से उन्होंने देखा भगवान को, अंतःकरण के दृष्टि से। तो इसलिए जिन जिनके आंखें अच्छे हैं, स्थूल आंखें, हमें सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारे ऊपर ही कृपा की है, हम तो देख तो सकते हैं, तो यहाँ वहाँ क्यों देखें, क्यों ना हम भगवान के सुंदर रूप को ही देखें। ये जो सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है इसे गंवाना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी इस विषय पर कितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं। भागवतम में बताया गया जिनकी आँखें हैं
परंतु भगवान को नहीं देखते हैं, वो किस तरह की आंखें हैं? मोर पंख के ऊपर जो आंखें उन्हीं के तरह है। और क्या बताया गया आंखों के बारे में? गोपियां क्या कहती हैं? अटति यद भवान अहनिकाननम त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम कुटिलकुंतलम श्री मुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्षमकृत त्रिशाम। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, जब आप दिन में गायों को चराने के लिए वन में चले जाते हैं तो हमारे लिए एक त्रुटि जो क्षण से भी कम समय की अवधि है वो हमें एक युग के समान प्रतीत होता है, और आपका सुंदर मुखारविंद दिखाई हमें जब नहीं पड़ता है इस समय, अलका आपके सुंदर मुख के ऊपर दिखाई पड़ता जो है वो दिखाई नहीं पड़ता, तो फिर हमें क्या लगता है कि कितना लंबा समय बीत गया है। और उससे हम लोग क्या करते हैं? हम ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है उनको कोसते हैं। जड़, आप जड़ बुद्धि के हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, आंखों पे आपने पलकें बना लिए हैं। क्यों? क्योंकि ये पलकें जो हैं ये हमारे भगवान के दर्शन में बाधा बन जाती हैं। यदि हम ये पलकें नहीं होते तो बस हम 24 घंटे आंखें खोलकर भगवान का दर्शन कर सकते थे, परंतु अब आपने ये पलकें बना दी तो आंखें बार बार बंद होती हैं बीच बीच में, तो बाधा हो जाती है। इसलिए आपने सही तरह से इस शरीर का निर्माण नहीं किया है। अंग्रेजी में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। जब कोई कारखाने में कोई चीज बनाते 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 कुछ भूल हो जाती है, तो ऐसे देखते हैं कि अरे ये नट बोल्ट में कुछ पहले से ही कुछ गलती है, फैक्ट्री से ही आया। तो गोपियां बता रही हैं कि आपने कारखाने में उत्पादन करते समय ही गलती कर दी, क्योंकि आंखों का उद्देश्य है श्री कृष्ण का दर्शन करना, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ रुक्मिणी देवी कह रही हैं, रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। त्वयि अच्युत अविशति चित्तम में, इसलिए हे अच्युत, अब अपत्रपम मैं निर्लज्ज होकर यह घोषणा कर रही हूं आपको, खुलेआम लिख के भेज रही हूं कि मैं चाहती हूं कि मेरा चित्त अविशति अब आपके अंदर सदा रहे। अर्थात वो कहना चाहती हैं कि मेरा मन आपके ऊपर पूरी तरह से स्थित हो गया है, एकाग्र चित्त से मैं आपका स्मरण चिंतन मनन करती हूं, मेरे मन में और किसी व्यक्ति के लिए स्थान नहीं है। तो ये हुआ संक्षेप में इस श्लोक का तात्पर्य। अभी इससे हम ये भी देख सकते हैं कि रुक्मिणी देवी थोड़ी साहसी थी, ऐसे जाके किसी राजा के पास ऐसे पद, इसमें थोड़े साहस की भी आवश्यकता होती है। परंतु आचार्यों ने लिखा है कि क्योंकि वो तो राजकुमारी थी ना, राजा तो क्षत्रिय होते हैं, तो क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो राजकुमारियां भी कभी कभी साहसी होती हैं। तो ऐसे साहस करके उन्होंने ऐसे पत्र लिख दिया श्री कृष्ण को। अब आइए 38वें श्लोक में को पढ़ते हैं। का त्वा मुकुंद महति कुलशील रूप, विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम, धीरा पतिम कुलवती नवृणीत कन्या, काले नृसिंह नर लोक मनोभिरामम। का त्वा मुकुंद, कौन है हे मुकुंद जो आपके बराबर हो सकता है? कोई नहीं है। और हाँ, महती
आपके जो अब बहुत कुलीन हैं, ऊंचे कुल के हैं, कुल शील रूप विद्या वय द्रविण धाम, इन सब चीजों में कुल अर्थात जो ऊंचा जन्म है, किसी ऊंचे कुल में जन्म लेना, शील या सदाचार चरित्र आदि, रूप अर्थात सौंदर्य, विद्या अर्थात ज्ञान, वयः अर्थात यौवन, द्रविण अर्थात संपत्ति अर्थ, धाम अर्थात प्रभाव, और आदि मतलब और जितने भी ऐसे आपके गुण हैं, आत्मतुल्यम, आपके पास जितने ये सारे गुण हैं उसकी तुलना केवल आपसे ही की जा सकती है, और किसी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जिससे आप तुलना कर सके आपके गुणों के बारे में। आप अद्वितीय हैं, अप्रतिम हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, असमऊर्ध्व, असम ऊर्ध्व, आपसे ऊर्ध्व, आपसे ऊंचा कोई नहीं है, इतना ही नहीं आपके समान भी कोई नहीं है, असम और ऊर्ध्व, असमऊर्ध्व, इसलिए आपकी आपके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या, काले नृसिंह नर लोक मनोभिरामम। तो हे मनुष्य समाज में जो नर जो सिंह के समान है, सारे नरलोक को आप रंजित करते हैं, अभिरामम प्रसन्न करते हैं, हे सिंह पुरुष, आप संपूर्ण सृष्टि को प्रसन्न करते हैं, नरसिंह नरलोक मनोभिरामम। तो कौन ऐसी कन्या है जो कि सही काल पे, काले जो सही समय पे आपसे विवाह नहीं करना चाहेगी? कौन सी कन्या, किस प्रकार की कन्या आपसे विवाह नहीं करना चाहेगी, या कौन ऐसी कन्या है जो नहीं विवाह करना चाहेगी, जो धीरा है, जो कुलवती है, जो सद्गुणों से संपन्न है, ऐसी कोई भी कन्या नहीं है जो कि आपसे विवाह नहीं करना चाहेगी। तो इसलिए वो बताना चाह रही है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई भी कन्या यदि हो जो कुलवती है, धीरा है इत्यादि, वो निश्चित ही आपको पति के रूप में स्वीकार करना चाहेगी। वैसे भक्तों के इतिहास में भी ऐसे कई हुए हैं, कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन से हैं? वृंदावन की गोपियां। सही है ना? उन्होंने तो मन में ठान लिया था कि श्री कृष्ण के ही हम हैं और किसी के नहीं रहेंगे। उनमें से कई अविवाहित थीं थोड़े समय के लिए, फिर विवाहित हो गई। विवाह के बाद भी जब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई वंशीवट में, तब वो अपने घर को छोड़कर चली गई। ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ऐसे कई गोपियां थीं जो अपने बच्चों को खिला रही थीं, बच्चों को छोड़कर निकल पड़े। कोई गोपियां ऐसी थीं जो अपने ससुर को, अपने सास को भोजन परोस रही थी, छोड़कर चली गई। कोई गोपियां ऐसी थी, कोई अन्य घर के कार्य कर रही थी, सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण के पास दौड़कर चली गई। और परसों हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया था कि वापस आपको घर जाना चाहिए, घर में रह के मेरे बारे में श्रवण करना, स्मरण करना, ध्यान करना, कीर्तन करना, श्रवणाद ध्यानाद इत्यादि। तो ये हमें घर में बैठ के करना चाहिए, मंदिर में आके करना चाहिए, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो नु कीर्तनात्। तो मयि भाव, यदि मेरे प्रति या कृष्ण के प्रति भाव, शुद्ध प्रेम उत्पन्न करना है, तो इन चीजों को हमें करना चाहिए। तो अब गोपियां जो है वो निकल पड़ी, सीधे सब कुछ छोड़कर। श्री कृष्ण उनको वापस भेजने का प्रयास किया, परंतु वो नहीं गई,
वो कहने लगे कि इस प्रकार का अन्याय हमसे आप मत कीजिए। तो अभी हमारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि वो घर से निकल पड़ी तो घर में पीछे हंगामा हुआ नहीं क्या? किसी भी घर में हंगामा तो होगा ना। अरे जो बहू है वो घर से निकल गई बीच रात में आधे काम को छोड़कर, कोई बच्चों को भी दूध पिला रही थी बच्चों को भी छोड़कर चली गई, और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नीचे पहनने वाले कपड़े ऊपर पहन लिए, ऊपर पहनने वाले नीचे पहन लिए, क्योंकि होश ठिकाने नहीं थे। श्री कृष्ण के बांसुरी वदन का यह प्रभाव होता है। और दशम स्कंद के 21वें अध्याय में जिसका शीर्षक है वेणु गीत, इसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण के बांसुरी वदन का असर क्या होता है अलग अलग वर्गों पे, चाहे वो स्वर्ग लोक की अप्सराएं हों, चाहे वो वृंदावन के गाय और अन्य पशु आदि हों, चाहे ब्रजभूमि के जो पेड़ पुष्प लताएं आदि हों, चाहे वृंदावन के नदियां और सरोवर आदि जो हों, चाहे ग्वाल बाल हो गाय हो, और इन सब यहाँ तक कि शिव जी भी हैं, इंद्रदेव हैं, देवलोक में रहने वाले सारे के सारे स्तब्ध हो जाते हैं। परंतु सबसे अद्भुत जो असर होता है श्री कृष्ण के बांसुरी वदन का, वो वृंदावन के गोपियों के ऊपर होता है, इसलिए वो इस तरह से बर्ताव करते हैं। हाँ, हमें इस तरह से कृत्रिम रूप से गोपियों की नकल नहीं करनी चाहिए। खास करके जब हम मनुष्य समाज में रहते हैं तो ऐसे करना उचित नहीं है बिल्कुल। तो हमारे जो भी कर्तव्य होते हैं उनका पालन अच्छी तरह से करना चाहिए। और श्री कृष्ण का जो संदेश था, क्या संदेश था? श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनु कीर्तनात्, ये हमें करना है। मंदिर में आके समय पर संकीर्तन में कथा में शामिल होना है इत्यादि। तो गोपियों की नकल हम नहीं कर सकते और नहीं करने का प्रयास करना चाहिए, केवल उनको हमारा आदर्श बनाकर उनके पदचिन्हों में चलने का प्रयास करना चाहिए। तो खैर, ऐसे आचार्यों ने बतलाया है कि उनके घर में हंगामा क्यों नहीं हुआ, थोड़े घर में हंगामा हुआ। जिन घर में गोपियों को रोका गया उन्होंने प्राण त्याग दिया, वो सहन नहीं कर पाई वो विरह, कई घरों में वो निकल गईं। तो आचार्यों ने बतलाया कि वास्तव में जो रह गईं वो उनकी माया स्वरूप थी। तो सारे जो उनके तथाकथित पति थे उनको लगा कि हमारी पत्नी तो हमारे साथ में है, सास ससुर को भी लगा कि बहू घर में है, परंतु वास्तव में अपने आध्यात्मिक मूल रूप में वो गोपियां सब चली गई थी श्री कृष्ण के साथ रहने के लिए। और ये एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अनेक लोग आजकल टीका करते हैं ना श्री कृष्ण की और गोपियों की इत्यादि। तो हमें यह जानना चाहिए कि जिस प्रकार से रावण ने कभी भी सीता देवी का स्पर्श नहीं किया, किनको उठा कर ले गए? माया सीता को उठा कर ले गए। तो ठीक उसी प्रकार से जो श्रीमती राधा रानी की काया व्यूह गोपियां हैं, उनको कोई अन्य व्यक्ति श्री कृष्ण के अतिरिक्त कैसे स्पर्श कर सकता है? तो ये जो गोपियां थी, जब इनका संपर्क हुआ अपने अपने पतियों के साथ, सके संबंधियों के साथ, ये उनकी जो स्वरूप थी, जो भौतिक स्वरूप थे, उनके साथ में हुआ, परंतु जो मूल गोपियां हैं वो केवल श्री कृष्ण के लिए थीं, इसलिए घर में कोई हंगामा उतना नहीं हुआ। तो ठीक है, तो गोपियां तो सबसे बड़े उदाहरण है। वैसे और आप देखिए इतिहास में, यदि पिछले 1000 वर्षों में देखा जाए, दक्षिण भारत में भी आप देखेंगे कौन है, या उत्तर भारत में भी देखेंगे, पिछले मीराबाई है ना, मीराबाई ने भी ऐसे ठान लिया था। ऐसे कहानी हमने सुनी थी, अब पता नहीं ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य है या नहीं, परंतु सुनी है कि जब मीराबाई छोटी बच्ची थी तो राजकुमारी थी, आप सबको पता है, तो बाहर सड़क पे कोई बारात जा रही थी, तो एक दूल्हा घोड़े पे को बैठ के जा रहा था। वो पता नहीं घोड़े के ऊपर क्यों बैठाते हैं, पर
परंतु बिठा कर ले जा रहे थे और वाद्य वगैरह बज रहे थे। तो इस बच्ची ने खिड़की के बाहर देखा कि हम बारात चल रही, कोई व्यक्ति घोड़े पे बैठा है इत्यादि। तो उसने माँ से पूछा कि क्या है, क्या क्या कौन है ये लोग, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बोले विवाह के लिए, शादी के लिए बारात जा रही है। अच्छा, बारात में शादी क्या होती है? कि हाँ, वो एक लड़की का विवाह लड़के से होता है। तो हर लड़की का विवाह होता है? हाँ। तो मेरा भी विवाह होगा? हाँ होगा। तो मेरे पति कौन बनेंगे? तो उस समय जो उनकी माता थी वो बहुत व्यस्त थी कामों में, और ये बार बार बच्ची सवाल पूछे जा रही है, प्रश्न पूछे जा रही है। तो उनके पास घर में गिरधर या श्री कृष्ण की मूर्ति भी थी। तो उस समय माँ ने कहा, जब ये बार बार बच्ची ने कहा मेरे पति कौन होंगे, मेरे पति कौन होंगे, बताओ बताओ बताओ, तो मैंने कहा ये होंगे तुम्हारे पति। चलो, उनका पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया, ये होंगे तुम्हारे पति गिरधर। तो उस बात को बहुत बहुत गंभीरता से बच्ची ने ले लिया और उस दिन से ठान लिया कि यही मेरे पति हो सकते हैं, इसके इनके सिवाय कोई नहीं होंगे। बाद में माँ ने सोचा होगा, अरे बड़े होकर मैंने ऐसे कह दिया, अब देखो क्या परिणाम हो गया। परंतु खैर, जो हुआ, मीराबाई का उदाहरण हम सबके सामने है। तो मीराबाई ने आगे चल के विवाह तो कर लिया, परंतु पति को समझ में आया कि ये विवाह के योग्य नहीं है। तो फिर मीराबाई वहाँ से भी निकल गई, उन्होंने भी ज़्यादा कष्ट नहीं दिया जहाँ तक मैंने सुना है। और फिर आगे चल के बस वो अपने गीत गाते हुए यहाँ वहाँ भ्रमण करती रहीं, वृंदावन भी पहुँची। तो ये और एक उदाहरण है। और कौन से उदाहरण? दक्षिण भारत में अंडाल, दक्षिण भारत में अंडाल श्री संप्रदाय में। अंडाल जो है ये एक आलवार है, भगवान नारायण भगवान कृष्ण के श्री संप्रदाय में 12 महान भक्त माने जाते हैं, उनमें से एक महिला है, वो है अंडाल। और अंडाल के जो पति थे वो भी आलवार थे, और उनकी सेवा हुआ करती थी एक बगीचा उगाना जिनमें बहुत सुगंधित सुंदर फूल हुआ करते थे, और फूलों से फिर माला बनाना, और वो जाके मंदिर में भगवान रंगनाथ को ये अर्पण करना। तो इनकी ये सेवा होती थी भगवान के लिए फूलों की माला बनाना, तो उनकी एकमात्र सेवा बस यही थी। और ऐसे कई भक्त थे जो इसी प्रकार की सेवा में लगे हुए रहते थे, जगह जगह हम देखते हैं। रामानुजाचार्य ने एक बार ये पूछा अपने शिष्यों की इष्ट गोष्ठी में कि वहाँ पर तिरुमला में बालाजी वेंकटेश्वर विराजमान हैं और उनकी पूजा हम बड़े धूमधाम से करवाना चाहते हैं, इससे पहले ऐसे एक ये मंदिर में वाद का विषय था कि शिव जी हैं कि ये विष्णु हैं, कौन है? फिर शास्त्रों के आधार पर एक चमत्कार के द्वारा रामानुजाचार्य ने साबित कर दिया कि ये साक्षात विष्णु ही हैं। तो खैर, वो चाहते थे कि वहाँ पे अच्छी तरह से सुचारू रूप से भगवान की आराधना हो। तो उन्होंने कहा कि आप में से कौन मेरे शिष्यों में से हैं जो कि तिरुमला में जाके रह के केवल फूलों की सेवा करेंगे भगवान के लिए? आपकी यही एकमात्र सेवा होगी, बगीचा उगाना और जितने फूल उगोंगे फिर उससे माला आदि बना के भगवान को अर्पण करना। और उस समय बिल्कुल कोई सुविधा नहीं थी तिरुमला के ऊपर। तिरुपति तो नीचे वाला शहर है, पहाड़ के ऊपर है तिरुमला जहाँ पे मंदिर है। आज तरह तरह के अतिथि गृह हैं, सारे समस्त प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं, और आप जाना चाहते गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, थोड़े पैसे दे के आप जल्दी से दर्शन भी पा सकते हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं आजकल। परंतु उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, और कभी कभी ठंडी बहुत हुआ करती थी वहाँ पर, आज भी होती है वैसे, आप में से जो गए हैं वह जानते हैं। और ये तो तमिलनाडु में रहने वाले श्रीरंगम में गर्मी के आदि, तो सब लोग सोच रहे थे अब यहाँ इतना आसान है, यहाँ गर्म है वातावरण, ठंडी में कैसे जाएंगे? वहाँ ना पीने का पानी है, ना कुछ रहने का ठिकाना है, कुछ नहीं है वहाँ पे, वहाँ जाके क्या करेंगे? तो फिर एक शिष्य ने हाथ उठाया, केवल एक ने, आपकी इच्छा है मैं जाऊँगा।
क्या नाम था उनका? अनंताचार्य। फिर वो गए और वहां बसे अपने पत्नी के साथ में, और उन्होंने केवल यही सेवा की, परंतु वहां मंदिर बना, बगीचा बनाना बहुत कठिन था, क्योंकि वहां जल नहीं था, उनको एक सरोवर खुद की खुदाई करनी पड़ी। वहां स्वयं भगवान आए, वो लीलाएं अपने आप में सुंदर हैं। तो खैर, कहने का तात्पर्य ये है कि फूलों की सेवा भगवान के भक्ति के मार्ग में कितने महत्वपूर्ण होती है। फूलों की सिवाय भक्ति की कल्पना करना मुश्किल है। तो आंडाल के पिता रोज फूलों की माला तैयार करते थे और फिर अपने घर में टंगा के रखते थे, और अगले दिन प्रातः काल में जाके पुजारियों को ये माला दे देते थे। तो एक बार उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री ये फूलों की माला लेकर, जो कि भगवान के लिए बनाया गया था, वो अपने गले में रख के अपने आप को देख रही कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। छोटी बच्ची थी उस समय। तो पिताजी हैरान हो गए, अरे ये भगवान के लिए बनाया गया है और तुम पहन रही हो इसको। भगवान का महाप्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए, ना कि तुम्हारा प्रसाद भगवान को अर्पण किया जाना चाहिए। अरे तो बहुत दुखी हो गए, और उस दिन भगवान को हार नहीं मिला। तो पुजारी लोग बहुत दुखी हो गए। उस बार स्वयं भगवान उनके सपने में आए अंडाल के पिता के, कि मुझे वही हार चाहिए, और तुम्हारी बेटी ने पहना हुआ हार ही पाई, मुझे चाहिए। तो पिता ने सोचा, अरे ये क्या हो गया, मेरी बेटी ऐसी मुझे पहचाना नहीं। हाँ, तो फिर उस दिन से ये प्रथा शुरू हो गई। और ऐसे आंडाल की मैंने विवाह नहीं किया आगे चल के। अंडाल ने कहा, मैं तो रंगनाथ स्वामी से ही विवाह करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। फिर ऐसे बताया जाता है कि वो प्रविष्ट हो गई गर्भगृह में और वहां से बाहर नहीं आई। किंतु हाँ, हमारे जो भक्त समाज में लड़कियां होती हैं, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, विवाह कर लेना चाहिए। तो खैर, कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे कई महिला भक्त हो चुकी हैं इतिहास में, जिन्होंने पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं होगा। तो आइए 49वां श्लोक, ठीक है, अभी ऐसे करेंगे एक पेज। ये एक श्लोक कर लेते हैं। तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंगजायाम, आत्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विधेहि। मा वीरभागमभिमर्षतु चैद्य आराद, गोमायुवन् मृगपतेर्बलिम् अम्बुजाक्ष, अनुवाद। अतएव हे प्रभु, मैंने आपको अपने पति रूप में चुना है और मैं आपकी शरण में आई हूं। हे सर्वशक्तिमान, तुरंत आइए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। हे मेरे कमल नेत्र स्वामी, किसी सिंह की संपत्ति को चुराने वाले सियार जैसे शिशुपाल को एक वीर के अंश को कभी छूने न दीजिए। तो रुक्मिणी देवी कहती हैं, तन तत, इसलिए अतः, हे भगवान, अंग अर्थात स्वामी, हर भगवान, हे भगवान, इसलिए मैंने तन में भवान खलु वृतः पति ही अंग, मैंने आपको ही पति चुना है, इसलिए, और आत्मा अर्पितः च भवतः त्रिविभो, हे विभो, हम मैंने आपका शरण ग्रहण कर लिया है, तो मुझे स्वीकार कीजिए। जायाम, आपकी जाया अर्थात आपकी पत्नी के रूप में, आराद विधेहि, मुझे बहुत शीघ्र स्वीकार कीजिए,
समय मत जाने दीजिए। माँ वीर भागम अभिमर्शतु चैद्य, माँ मतलब नहीं, ऐसे नहीं होने दीजिए कि मैं जो आपकी हूं, जो वो मुझे कोई आके अन्य व्यक्ति स्पर्श न कर ले, विशेष रूप से चैद्य आदि, शिशुपाल आदि मुझे कोई स्पर्श न करे। जिस प्रकार से जब सिंह के पास अपना कोई भोजन होता है तो और कोई सियार पास में आके उसे छू नहीं सकता उस भोजन को, क्योंकि सिंह का हक होता है, वो अंश होता है। तो रुक्मिणी देवी कहना चाहती हैं कि हे कृष्ण, मैं वीर का अंश केवल आपके लिए हूँ और किसी के लिए नहीं, इसलिए कृपया ऐसे शीघ्र अतिशीघ्र व्यवस्था कीजिए कि शिशुपाल जैसे व्यक्ति आके मेरा स्पर्श नहीं करे, मेरे निकट भी नहीं आए। तो जल्दी से विवाह कर लीजिए। तो रुक्मिणी देवी और आगे प्रार्थना करेंगी तो ये हम कल देखेंगे। कल शाम को आइएगा तो रुक्मिणी देवी के पत्र में वो क्या लिखती हैं वो और आगे देखेंगे। और फिर क्या श्री कृष्ण आ जाते हैं रुक्मिणी देवी को उठा के ले जाने के लिए, और यदि आते हैं तो फिर वहाँ क्या होता है, यदि आपको जानना है तो कल शाम को 7 बजे यहाँ आना है। हरे कृष्णा। तो अभी हम एक भजन गाएंगे। ये है क्या? यह श्री मधुराष्टकम् श्री वल्लभाचार्य कृत, ठीक है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं
भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुरम करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचो मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम हृष्टम मधुरम श्लिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् धन्यवाद। देखिए हर पंक्ति के जब मैं दूसरा लाइन कहा तो उसके बाद आपको हल्का सा थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा सा, नहीं तो वो ताल चुभ जाता है। बिल्कुल हल्का सा आपको थोड़ा रुकना है, फिर बोलना है। ताल जैसे होता है ना, उसके अनुसार आप सब थोड़ा जल्दी से गा देते हो दूसरा लाइन, ठीक है? याद रखिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।